गाइज आज के इस वीडियो में हम हमारे डेली लाइफ से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स के बारे में बात करेंगे जो कि आप इजीली अपनी रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं और साथ में इनकी मीनिंग और एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे ताकि जब आप इन्हें अपनी रियल लाइफ में यूज़ करो तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ यूज़ करो तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर भी बहुत कुछ है सीखने के लिए सो स्टे विद मी माई नेम इज़ नेक एंड लेट्स गेट गोइंग तो गए फर्स्ट वर्ड इज़ हैसल इसका मतलब होता है परेशानी वाली स्थिति या फिर मुसीबत वाली स्थिति जैसे एग्जाम्पल है इट्स सच हैसल टू राइड बाइक ऑन बम्पी रोड्स इसका मतलब ये है कि ऊबर खाबड़ वाली रोडों पर बाइक चलाना ये सच में मुसीबत वाली स्थिति है या फिर परेशानी वाली स्थिति है इट्स अच हैसल टू राइड बाइक ऑन बम्पी रोड्स एक और एग्जाम्पल है इट्स अ हैसल टू ट्रैवल विद सो मैनी बैग्स इसका मतलब यह है कि बहुत सारे बैगों के साथ ट्रैवल करना मतलब बहुत सारे बैगों के साथ यात्रा करना ये सच में मुसीबत है परेशानी है इट्स हैसड टू ट्रैवल विथ सो मैनी बैग्स नेक्स्ट वर्ड है लीश जैसे आपने किसी कुत्ते के या फिर किसी जानवर के गले में पट्टा बंधा हुआ देखा होगा या रस्सी बंधी हुई देखी होगी या फिर चेन बंधी हुई देखी होगी तो उसे कहते क्या हैं उसे लीश कहते हैं चलिए जैसे एग्जांपल है योर डॉग इज़ सो डेंजरस प्लीज़ कीप योर डॉग ऑन leash. इसका मतलब यह है कि तुम्हारा कुत्ता बहुत ज़्यादा खतरनाक है कृपया अपने कुत्ते के गले में पट्टा बांध कर रखो या फिर रस्सी बांध कर रखो योर डॉग इज़ सो डेंजरस प्लीज़ कीप योर डॉग ऑन leash. एक और एग्जाम्पल है प्लीज़ होल्ड ऑन टू द लीश योर डॉग इज़ बार्किंग मैडली यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है होल्ड ऑन टू समथिंग इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत कसकर पकड़ना या फिर सावधानी से पकड़ना ताकि वो छूट ना जाए या फिर गिर ना जाए और मैडली का मतलब होता है बहुत गु़स्से में या फिर बेकाबू ढंग से तो इस लाइन का मतलब है कृपया पट्टे को या फिर रस्सी को कसकर पकड़ लो तुम्हारा कुत्ता बहुत ही बेकाबू ढंग से भोंक रहा है या फिर बहुत गु़स्से में भौंक रहा है प्लीज़ होल्ड ऑन टू द लीश योर डॉग इज़ बाकिंग मैडली नेक्स्ट वर्ड है अग्रेसिव इसका मतलब होता है झगड़ालू या फिर आप हाँ बोल सकते हैं लड़ाका या फिर आप हाँ बोल सकते हैं आक्रामक टाइप में जैसे एग्जांपल है योर अग्रेसिव डॉग इज़ नॉट लेटिंग मी कम इनसाइड इसका मतलब ये है कि तुम्हारा झगड़ालू कुत्ता या फिर तुम्हारा आक्रामक कुत्ता मुझे अंदर नहीं आने दे रहा है योर अग्रेसिव डॉग इज़ नॉट लेटिंग मी कम इनसाइड एक और एग्जाम्पल है ही गेट्स अग्रेसिव वैन हिज ड्रंक इसका मतलब ये है कि जब वो पिए हुए होता है या फिर जब वो दारू के नशे में होता है तो वो बहुत ज़्यादा झगड़ालू हो जाता है या फिर लड़ाका हो जाता है ही गेट्स अग्रेसिव वैन हिज ड्रंक नेक्स्ट एक फ्रेजल वर्ब है होल्ड ऑन टू समथिंग या फिर होल्ड ऑन टू समन इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत कसकर पकड़ लेना या फिर किसी चीज़ को सावधानी से पकड़ना ताकि वो गिर ना जाए या फिर छूट ना जाए जैसे एग्जांपल है इट्स वेरी विंडी यू हैड बैटर होल्ड ऑन टू योर कैप यहाँ पर एक एक्सप्रेशन है हैड बैटर इसका सेंस मैंने अपनी लास्ट वीडियो में समझाया था इसको आप इस सेंस में यूज़ कर सकते हैं जब हम किसी को एडवाइस देते हैं या फिर हम किसी से कहते हैं कि आपको ये कर लेना चाहिए तो इसका मतलब बनता है कि मतलब बहुत हवादार मौसम है ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि अगर आप अपनी कैब को कस कर पकड़ लो या फिर आप बोल सकते हैं कि तुम्हें अपनी कैब को कस कर पकड़ लेना चाहिए इट्स वेरी वेंडी यू हैड बेटर होल्ड डाउन टू योर कैब एक और एग्जाम्पल है होल्डाउन टू माई बैग फॉर अ वाइल लेट मी गिव चेंज टू ऑटो रिक्शा ड्राइवर इसका मतलब ये है कि मेरे बैग को सावधानी से थोड़ी देर के लिए पकड़ लो मुझे ऑटो रिक्शा ड्राइवर को खुले पैसे देने दो होल्ड डाउन टू माई बैग फॉर अ वाइल लेट मी गिव चेंज टू ऑटो रिक्शा ड्राइवर नेक्स्ट वर्ड है ड्राउजी ये एक एब्जेक्टिव है इसका मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसको नींद आने ही वाली है या फिर आप ये बोल सकते हैं कि एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा थकान के बाद सोने ही वाला है या फिर आप अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं आधी नींद में चलो एग्जाम्पल लेते हैं दिस मूवी इज सो बोरिंग इट्स मेकिंग मी फील ड्राउजी इसका मतलब यह है कि ये मूवी बहुत ज़्यादा बोरिंग है ये मूवी बहुत ज़्यादा उबाऊ है ये मुझे आलस्यपूर्ण महसूस करा रही है या फिर आप ये बोल सकते हैं कि ये मुझे महसूस करा रही है कि मैं बहुत ज़्यादा नींद से भरा हुआ हूँ दिस मूवी इज सो बोरिंग इट्स मेकिंग मी फील ड्राउज़ी एक और एग्जाम्पल है हर मसाज ऑन माई हैड मेड मी फील कंफर्टेबल एंड ड्राउज़ी इसका मतलब ये है कि मेरे सिर पर उसकी मसाज ने मुझे आरामदायक बना दिया और मुझे आधी नींद में भेज दिया हर मसाज ऑन माई हैड मेड मी फील कम्फर्टेबल एंड ड्राउजी नेक्स्ट वर्ड है कंफर्टलेस। इसका मतलब होता है असुविधाजनक या फिर आप बोल सकते हैं बे आराम या फिर आप बोल सकते हैं आराम रहित जैसे एग्जाम्पल है दिस ट्रिप वॉज़ कम्फर्टलैस फॉर मी बिकॉज आई डेंट गेट सीट इन द बस टू सिट इसका मतलब यह है कि ये ट्रिप मेरे लिए बेआराम थी मेरे लिए आराम रहित थी क्योंकि बस में मुझे बैठने के लिए सीट नहीं मिली दिस ट्रिप वॉज़ कम्फर्टलेस फॉर मी बिकॉज आई डेंट गेट सीट इन द बस टू सिट एक और एग्जाम्पल है सिटिंग ऑन दिस चेयर इज़ रियली कम्फर्टलैस इसका मतलब ये है कि इस चेयर पर बैठना इस कुर्सी पर बैठना सच में आराम रहित है या फिर बे है सिटिंग ऑन दिस चेयर इज़ रियली कम्फर्टलैस नेक्स्ट वर्ड है सेपरेट इसका मतलब होता है किसी चीज़ से किसी चीज़ को अलग कर देना या फिर पृथक कर देना ये एज एन एब्जेक्टिव भी यूज होता है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि किसी चीज़ से अलग हुआ हुआ या फिर किसी से ना जुड़ा हुआ जैसे एग्जाम्पल है नो वन कैन सेपरेट दैम बिकॉज दे लव ईच अदर अलॉट इसका मतलब यह है कि उन दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता क्योंकि वे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं नो वन कैन सेपरेट दैम बिकॉज दे लव इच अदर अलॉट एक और एग्जाम्पल है टीचर ऑलवेज यूज टू ट्राई टू सेपरेट विकी एंड मी इन द क्लास बिकॉज दी वर मिशीवस इसका मतलब यही है कि क्लास में टीचर विकी और मुझे हमेशा अलग करने की कोशिश किया करते थे क्योंकि हम नटखड़ थे हम शरारती थे टीचर ऑलवेज यूज टू ट्राई टू सेपरेट विकी एंड मी इन द क्लास बिकॉज दी वर मिशीवस नेक्स्ट वर्ड है रैटल इसका मतलब होता है खड़खड़ाना या फिर खड़खड़ की आवाज़ करना इसको एज अ नॉन भी यूज़ किया जा सकता है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है खड़खड़ाहट या फिर खड़खड़ की आवाज़ जैसे एग्जाम्पल है क्लोज़ द विंडो इन विंड अदरवाइज इट विल रैटल इसका मतलब यह है कि हवा में खिड़की को बंद कर लो नहीं तो ये खड़खड़ की आवाज़ करेगी क्लोज़ द विंडो इन विंड अदरवाइज़ इट विल रैटल एक और एग्ज़ाम्पल है She is cross with me, so that's why you are hearing dishes rattle right in the kitchen. इसका मतलब है कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है वो मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है इसीलिए किचन में से तुम डिशेस की खड़खड़ाने की आवाज़ या फिर बर्तनों की खड़खड़ाने की आवाज़ सुन रहे हो शेज़ क्रॉस विद मी सो दैट्स वाई यू आर हेयरिंग डिशेज़ rattle इन द किचन नेक्स्ट एक फ्रेजल वर्ब है माउथ ऑफ़ टू समवन या फिर माउथ ऑफ एट समवन इसका मतलब होता है किसी से पूर्वक बात करना या फिर अपमानजनक रूप में बात करना या फिर आप बोल सकते हैं बिना आदर के जैसे एग्जांपल है वी शुड नेवर माउथ ऑफ़ टू एनी वन बिफोर चिल्ड्रन इसका मतलब ये है कि हमें बच्चों के सामने कभी भी किसी से अपमानजनक रूप में या फिर बिना आदर के बात नहीं करनी चाहिए we should never mouth off to anyone before children. चिल्ड्रन नेक्स्ट वर्ड है untangle. इसका मतलब होता है उलझे हुए धागों को सुलझाना या फिर उलझे हुए तारों को सुलझाना जैसे एग्जाम्पल है शी केयरफुली untangled द चाइल्ड्स हेयर इसका मतलब ये है कि बच्चे के बाल उलझे हुए थे तो उसने बच्चे के बालों को सावधानी से सुलझाया शी केयरफुली अनटेंगर्ड द चाइल्ड्स हेयर एक और एग्जाम्पल है प्लीज़ हेल्प मी आउट टू अनटैंगल ईयरफोन्स इसका मतलब ये है कि कृपया ईयरफोन्स को सुलझाने में मेरी मदद करो प्लीज़ हेल्प मी आउट टू अनटैंगल ईयरफोन्स नेक्स्ट वर्ड है इन्फ्लेट इसका मतलब होता है किसी चीज़ में हवा भरना या फिर किसी चीज़ को हवा से या फिर गैस से फुलाना जैसे एग्जाम्पल है प्लीज़ इन्फ्लेट दीज बलूनस बायो माउथ इसका मतलब यह है कि अपने माउथ के द्वारा अपने मुँह के द्वारा इन गुब्बारों को फुलाओ प्लीज़ इन्फ्लेट दीज बलून्स बायर माउथ एक और एग्जाम्पल है यू नीड टू गेट इन्फ्लेटेड द रियर टायर ऑफ़ योर बाइक मतलब तुम्हें तुम्हारी बाइक के पिछले टायर में हवा भरवाने की जरूरत है यू नीड टू गेट इन्फ्लेटेड द रियर टायर ऑफ योर बाइक नष्टवर्ड है नरिश इसका मतलब होता है किसी पर्सन को या फिर किसी चीज़ को स्वस्थ बनाने के लिए उसका लालन पोषण करना या फिर उसको पोषित करना जैसे एग्जाम्पल है दिस क्रीम विल हेल्प यू इन नरिशिंग योर स्किन इसका मतलब ये है कि यह क्रीम आपकी स्किन को आपकी त्वचा को नरिश करने में मतलब उसको पोषित करने में आपकी मदद करेगी दिस क्रीम विल हेल्प यू इन नरिशिंग योर स्किन यूज़ दिस ऑयल टू मेक योर बेबी वेल नरिश्ड इसका मतलब यह है कि अपने बच्चे को अच्छी तरह से सुपोषित बनाने के लिए इस तेल का उपयोग करो यूज़ दिस ऑयल टू मेक योर बेबी वेल नरिश्ड नेक्स्ट वन इज लूज नो टाइम इन डूइंग समथिंग इसका मतलब होता है कि जल्दबाजी में कुछ करना मतलब फटाफट कुछ करना या फिर आप बोल सकते हैं बिना समय गवाए कुछ करना जैसे एग्जाम्पल है शी लॉस्ट नो टाइम इन ड्रेसिंग अप इसका मतलब यह है कि उसने तैयार होने में बिल्कुल भी समय नहीं गवाया शी लॉस्ट नो टाइम इन ड्रेसिंग अप एक और एग्जाम्पल है ही इज़ अ वरिशियस ईटर ही लॉस्ट नो टाइम इन फिनिशिंग द फूड इसका मतलब ये है कि वह बहुत ज़्यादा खाने वाला इंसान है वह एक पेटू है उसने खाने को ख़त्म करने में बिल्कुल भी समय नहीं गवाया मतलब उसने फटाफट ख़त्म कर दिया ही इज़ अ वरिशियस ईटर ही लॉस्ट नो टाइम इन फिनिशिंग द फूड नेक्स्ट वर्ड है एक्ट प्राइसी इसका मतलब होता है भाव खाना या फिर आप बोल सकते हैं किसी चीज़ को लेकर अभिमानी हो जाना या फिर घमंडी हो जाना जैसे एग्जांपल है डोंट एक्ट प्राइसी बी इन योर लिमिट इसका मतलब यह है कि ज़्यादा भाव मत खाओ अपनी औकात में रहो या फिर अपनी हद में रहो डोंट एक्ट प्राइ सी बी इन योर लिमिट एक और एग्जाम्पल है आई डेंट अंडरस्टैंड वाई ही स्टार्टेड एक्टिंग प्राइ सी ऑल ऑफ सडन ऑल ऑफ सडन का मतलब होता है अचानक से तो इस लाइन का मतलब है कि मुझे समझ में नहीं आया कि उसने अचानक से भाव खाने क्यों शुरू कर दिए या फिर वह अचानक से भाव खाना क्यों लग गया I didn't understand why he started acting pricey all of a sudden. So that's it, guys. For this video, I hope आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने के लिए मिला होगा तो गाइस आपके लिए होमवर्क है आपके सामने दो वर्ड्स हैं चिल आउट एंड एक्सर्शन इन दोनों की मीनिंग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए और अगर आप इनके ऊपर अपने एक एक सेंटेंस बनाते हो तो और अच्छा होगा इनसे आपकी थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो और वीडियो को लाइक करना ना भूल थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो